ऐसा है, अभी तो पूरे राजस्थान में ट्रांसफर पे प्रतिबंध लगा हुआ है, तो प्रतिबंध खुलेगा तभी तो उस पर विचार किया जा सकेगा। देख रहे हो आप, कई दिनों से सारे केवल शिक्षा विभाग नहीं, तमाम विभागों के ऊपर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब प्रतिबंध खुलेगा तो उनकी समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा। ये आपको पता है, प्रतिबंध मेरे हाथ में नहीं। मेरे ख्याल में अगले 15-20 दिन में हो जाएंगे। अब उनसे मेरे ख्याल में इसमें जब काउंसलिंग होगी तो ऑप्शन मांगा जाएगा, जो वो ऑप्शन देंगे उसके आधार पर परसेंटेज के हिसाब से। आप जानते हैं कि हमारी बहुत पारदर्शिता की नीति है। जैसे आज मान लीजिए किसी ने 12 जिला मांगा है, 12 जिला में एक व्यक्ति की 60% है, एक की 65% है, एक की 70% है, तो पहले 70% वाले को मिलेगा। हाँ, मेरिट बेस। क्या पोस्टें तो 48,000 ही रहेंगी। अब उनको मेरी बात सुन, उन्होंने उनसे स्कूलों का और उनका ऑप्शन मांगा जाएगा। गाँव में प्राय इन लोगों को लगाते हैं, आप जानते हैं, रिक्त पदों पे लगाते हैं, तो उनसे ही ऑप्शन मांगा जाएगा कि वो कौन सी स्कूल में कहाँ जाना चाहते हैं, उस अनुसार जिले निर्धारित हो जाएंगे। ये बात उनकी है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मांग है उसको वित्त विभाग से राय करके तय कर देंगे। ऐसा है, पहली बात तो ये कि जिस जिले में वो काम कर रहे हैं उसी में उनको कायदे से, ये भी थर्ड ग्रेड टीचर्स की तरह ही हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थितिवश कोई पति जैसे पति पत्नी का केस है, इसके बारे में पॉलिसी बना रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जो भी अंतिम निर्णय विभाग के स्तर पर होगा वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये डिस्कशन में चल रहा है। 3 तरह के विकल्प हैं, लेकिन जो फाइनल विकल्प है वो माननीय मंत्री जी के साथ अधिकारियों की बैठक के बाद तय हो पाएगा। आपने सही सवाल पूछा है कि हम कौन से विकल्प पे काम करेंगे, तो ये तो जब तय हो जाएगा तब बताया जा सकता है।